Hello and Namaskar. The big news is that the CBSE has declared the Class 12 board examination results of 2022. This happened at 10 o'clock this morning. The other piece of big news is that the weightage to Term 1 board examinations, which were conducted in November December 2021, has been pegged at 30%. Your Term 2 board examination weightage has been increased to 70%. So it's not 50 50, it is 30 70. And listen to this, even more important, this applies to both class 12 and class 10. So, unlike ICSE, which declared its results over the weekend, which put it at 50 50, CBSE is going to have 30% for term 1 and 70% for term 2. However, for practical examinations, equal weightage has been given to both terms for preparing the final results of both class 10 and class 12 why was this decision taken of course there was a lot of demand that either best of either terms should cho choice should be given to the students or the weightage should be changed because the committee felt that students were unable to perform to their full potential in the term 1 examinations as they had to appear for an objective type mcq based question paper pattern for the first time in board examinations without adequate practice so that's the reason given by the committee ज रिकमेंडेड दैट दिस शुड बी चेंज टू थर्टी सेवेंटी So तीस सत्तर के रेशियो में आपका वेटेज लिया गया है और इसका कारण ये है कि कमेटी को लगा कि बच्चों को ज्यादा टाइम नहीं मिला ज्यादा प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिला टर्म वन के एग्जाम्स के पहले ओके स्टूडेंट्स हु वांट टू इंप्रूव ऑन देयर परफॉर्मेंस विल बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो इन वन सब्जेक्ट एक सब्जेक्ट में आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं जबकि कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस कराए जाएंगे 23 अगस्त से सो so उस समय आप एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं जिसमें कि आप इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं और इसका सिलेबस होगा टर्म टू का एग्जाम सिलेबस टर्म वन का नहीं रहेगा टर्म 2 का एग्जामिनेशन सिलेबस इस इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन का सिलेबस रहेगा द क्लास रिजल्ट ऑल्सो अकॉर्डिंग टू सम दे कुड अनाउंस लेटर समर्ट्स लेकिन इसके बारे में सीबीएसई uh, की तरफ से कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है अभी तक ओके बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री अगले बैच के लिए है पंद्रह फरवरी से शुरू होंगे सो so, एक तरह से बैक टू ओरिजिनल प्री कोविड शेड्यूल में एक तरह से अगले साल से शिफ्ट हो जाएंगे पूरा एग्जाम्स का इस बार का रिजल्ट कैसा रहा नाइनटी टू पॉइंट सेवन परसेंट स्टूडेंट्स है The best results have come from tiruvananthapuram region, followed by Bengaluru and Chennai. tiruvananthapuram 98.83% students have passed, 92.71 overall, which means over 7% students have failed and they will have to take the compartment examinations in the last week of August. So ye buddy cover hai. जहां तक आईएससी का सवाल है मुझे लगता है कि अब वो भी अगले दो दिन में कहीं आ जाने चाहिए बिकॉज नाउ दैट इट इज क्लियर दैट सीबीएसई हैज एंड सीबीएसई के एग्जाम्स तो आई एस सी के बाद खत्म हुए थे पंद्रह जून को हुए थे आई एस सी के तेरह जून को हुए थे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेस देन वन लाख देर इज नो रीजन वाई दे शुड डिलेट एनी फर्दर इट शुड कम आई थिंक इन द नेक्स्ट ट्वेंटी फोर टू फोर्टी एट टू सेवेंटी टू आवर्स मैक्स बिफोर दिस बिफोर संडे मैक्स मंडे आई थिंक आई एस सी शुड ऑल्सो बी एबल टू पुट आउट इट्स रिजल्ट द ओनली थिंग इज जर अगर सीबीएसई थोड़ा और ध्यान से और ट्रांसपेरेंट वे में अपने एग्जाम रिजल्ट को अनाउंस करे कि पहले से बोल दे कि नो इस समय पर हमारे एग्जाम रिजल्ट अनाउंस होंगे इस तारीख को देर वुड बी लेस कन्फ्यूशन आई विश द सीबीएसई कूड रियली टेक केयर ऑफ दिस स्मॉल इशूज थैंक यू वेरी मच ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड देयर पेरेंट्स